आज मैं यहां पर आपके लिए ही स्पेशली ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं हर रोज कोई ना कोई टॉपिक के रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करूंगा। वैसे आप तो जान रहे हो कि जो अभी पूरे प्लेनेट के ऊपर एक क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से मैक्सिमम कंट्रीज लॉकडाउन है, इवन अपना कंट्री जो है वो भी लॉकडाउन है। लेकिन अपने अपने परिवार की और अपने देश की सेफ्टी के लिए हमारा घर पे रहना बहुत ही जरूरी है। इस सिचुएशन में मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर प्लीज आप कुछ वीडियो भेजिए, या फिर आप हमारे स्टडीज के रिलेटेड कोई ना कोई ऐसे लेक्चर्स अपलोड करिए। तो उनकी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये एक नया स्टार्टअप किया है। ओके, वैसे आप लोग को ये पता ही है कि गुजसेट एंड जेई नीट इनकी जो एग्जाम्स है उनको भी कैंसिल किया गया है, और उनकी जो पोस्टपोन्डेड डेट्स है वो अभी तक हमें बताई नहीं गई है। लेकिन फिर भी हमें हर रोज कुछ ना कुछ प्रिपेरेशन करना है। तो आज से हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1, सॉलिड स्टेट। ये जो चैप्टर है वो जो भी स्टूडेंट्स 11th से 12th में आ रहे हैं उनके लिए, एज वेल एज जो 12th में बच्चे थे उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग इसकी थोड़ी सी आगे से जो चैप्टर से कनेक्टेड ये आ रहा है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टर्म में आप लोग ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था स्टेट्स ऑफ मैटर, और यही चैप्टर के अंदर आपने दो मेन स्टेट के बारे में पढ़ लिया था। हालांकि नेचुरली अकरिंग तीन मेन स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, लेकिन जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे वो दो ही स्टेट थे, गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। और वही चैप्टर में गैसियस स्टेट के बारे में डिटेल्स ज्यादा थी, उसमें आपने चार मेन लॉज पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसिक्स लॉ एंड एविगेड्रोज लॉ, और लिक्विड स्टेट के प्रॉपर्टीज के बारे में आपने लास्ट दो तीन पेज के अंदर डिस्कशन और पढ़ाई की थी। आज हम शुरू कर रहे हैं ये चैप्टर दैट इज सॉलिड स्टेट, जो टेक्स्ट बुक नंबर 1 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें सॉलिड स्टेट के बारे में माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स पता चलते हैं। हम लोग इस चैप्टर के अंदर पहले तो ये पढ़ेंगे कि स्टेट्स, सॉलिड स्टेट जो होते हैं वो कितने टाइप के रहते हैं और वो किस पर डिपेंड होते हैं। फिर हम ये पढ़ेंगे कि उसके 3D स्ट्रक्चर क्या रहते हैं और उसके टाइप्स क्या रहते हैं, और हम पढ़ेंगे कि इनके प्रॉपर्टीज क्या रहते हैं, और खास करके हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम सॉलिड स्टेट के बारे में शुरू करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले चीज स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि सॉलिड स्टेट का डेफिनेशन क्या है। अगर हम तीन मेन स्टेट के बारे में पढ़े, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, तो सॉलिड स्टेट में हमेशा पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड रहते हैं और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, जो यहां पर डेफिनेशन शो कर रहा है। दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक ऐसा स्टेट है जिनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा हाई है, और क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है उनकी प्रॉपर्टीज में उनकी कंप्रेसिबिलिटी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और उनका डिफ्यूजन बहुत ही लो रहेगा, अट्रैक्शन हाई है इसलिए, लेकिन उनमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई रहेंगे। एक और जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की है वो उनके शेप, साइज एंड वॉल्यूम डेफिनेट रहते हैं, लेकिन गैसियस में इनके शेप, साइज एंड वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता। लिक्विड में वॉल्यूम डेफिनेट होता है बट उसके शेप एंड साइज डेफिनेट नहीं होता स्टूडेंट्स, वो डिपेंड होता है उनके वेसल के ऊपर। तो ये इनके प्रॉपर्टीज है। लास्ट प्रॉपर्टी जो है, दे आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स है। अब ये तो उसका इंफॉर्मेटिव पार्ट था, टॉपिक इसका फर्स्ट ये है कि सॉलिड स्टेट जितने भी रहते हैं वो दो मेन फॉर्म्स में पॉसिबल है, एक है क्रिस्टलाइन फॉर्म और दूसरा है एमॉर्फस फॉर्म। बच्चों जरा ध्यान से देखना, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन गुजसेट में आ ही सकता है। क्रिस्टलाइन स्टेट जो रहता है वो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर लॉन्ग रेंज रहता है, यानी कि इसको समझने के लिए हम बेस्ट एग्जांपल लेंगे। मान लो कि अपने क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और टीचर ने ये अरेंजमेंट किया है कि पहले एक बॉय, फिर पीछे एक गर्ल बैठी है, फिर एक बॉय बैठा है, फिर एक गर्ल बैठी है, और पूरे क्लास में, पूरे रो में जितने भी बेंच है उसमें ये फॉर्मेट से ही बैठे। वैसे ही
अगर आप क्रिस्टलाइन स्टेट में देखोगे तो मैंने यहां पर ब्लैक स्पॉट बनाया है, फिर ब्लू स्पॉट है, फिर ब्लैक है, फिर ब्लू है। सेम में जब मैं डाउनवर्ड जाता हूं, यानी कि अगर मैं यहां पर लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं और टॉप टू बॉटम जा रहा हूं, तो यहां पर जो पैटर्न है यानी कि ब्लैक ब्लू, वो पैटर्न फॉलो हो रहा है और वो पूरे क्रिस्टल तक, वो पूरे क्रिस्टल तक फॉलो हो रहा है, और इसलिए इनको कहते हैं रेगुलर अरेंजमेंट फॉर लॉन्ग रेंज। ये हमेशा क्रिस्टलाइन में देखा जाता है। लेकिन उसके कंपैरिजन में एमोर्फस में भी रेगुलर अरेंजमेंट तो होता है, लेकिन वो शॉर्ट रेंज के लिए होता है। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहां पर एक ब्लैक, फिर ब्लू स्पॉट, फिर ब्लैक, लेकिन फिर क्या हुआ, ब्लू ब्लू स्पॉट। अगर हम लोग डाउनवर्ड जाएंगे तो एक ब्लैक है, फिर ब्लू ब्लू, यानी कि यहां पर एक छोटे से रेंज तक, एक शॉर्ट रेंज तक यहां पर क्या हो रहा है, तो एक शॉर्ट रेंज तक यहां पर एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा है, फिर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो क्लास में बच्चे बैठे हैं, बट टीचर ने कहा कि आपको रेगुलर अरेंजमेंट में बैठना है, फिर भी हुआ ये कि आगे के दो तीन लाइन तक बच्चों ने उस रूल को फॉलो किया, यानी कि पहले एक बॉय बैठा, फिर एक गर्ल, फिर एक बॉय, और फिर सब मिक्सिंग हुआ, यानी कि दो तीन गर्ल्स हुए, फिर यहां वहां बॉयज बैठे हैं, यानी कि वहां पर रेगुलर अरेंजमेंट तो है लेकिन कुछ एक डिस्टेंस तक ही है। तो यही चीज होती है एमॉर्फस में कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो रहते हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट में तो रहते हैं बट शॉर्ट रेंज तक होते हैं। इनका दूसरा जो डिफरेंस है वो है क्रिस्टलाइन हमेशा ट्रू सॉलिड्स होते हैं एंड कंपैरिजन टू दैट एमॉर्फस हमेशा स्यूडो सॉलिड रहते हैं। एमॉर्फस को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एमॉर्फस को सुपर कूल लिक्विड भी कहा जाता है। और क्रिस्टलाइन जो रहते हैं वो मेल्टिंग पॉइंट उनका शार्प रहता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर वो मेल्ट हो जाएंगे। उनके कंपैरिजन में एमॉर्फस जितने भी रहते हैं, एमॉर्फस में आपको एक रेंज मिलेगी, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 150, एक एग्जांपल मैंने लिया है। यानी होगा ये कि ये कोई भी आपने मान लो कि ऐसा एक एमॉर्फस सब्सटेंस लिया है और वो एमॉर्फस सब्सटेंस ऐसा है जिसका मेल्टिंग जो हो रहा है वो 100 डिग्री से लेकर 150 डिग्री के बीच में मेल्ट हो जाता है। तो यहां पर एक प्रॉपर एक वैल्यू नहीं है, एक शार्प पॉइंट नहीं है, बट इसमें एक रेंज है। तो याद रखिएगा, क्रिस्टलाइन में जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो शार्प रहता है एंड एमॉर्फस में वो रेंज रहेगा। चौथा जो पॉइंट है वो इनमें याद रखिएगा कि क्रिस्टलाइन जो रहते हैं वो एन आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं और जो एमॉर्फस रहते हैं वो आइसोट्रोपिक रहते हैं। अब यहां पर आपके लिए दो नए वर्ड आ गए और आपको ये जरूर होगा कि सर ये एनआइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक का मतलब क्या हुआ। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आइसोट्रोपिक को पहले समझते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड आइसोट्रोपिक। तो आइसोट्रोपिक वो होते हैं जिनमें सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि अगर आप डायरेक्शन को चेंज करोगे फिर भी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, ये एमॉर्फस की बात है, वो आइसोट्रोपिक रहते हैं। और अगर आप मान लो अगर आप ले रहे हो क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होगा कि आप अगर डायरेक्शन चेंज करोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी में भी चेंज आएगा और वही बनता है एनाइसोट्रोपिक। अब इनके एग्जांपल्स क्या है, तो इनके जो एग्जांपल है, अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है NaCl, जिसके बारे में एडवर्टीजमेंट आपने ऑलरेडी देखी है, शायद टाटा नमक की एड आपने कुछ टाइम पहले देखी होगी, उसमें एक बच्चा कहता है जिसका दाना दाना एक समान। तो वहीं पर डेफिनेशन मिल जाती है कि नमक यानी कि NaCl कॉमन सॉल्ट होता है क्रिस्टलाइन। KCl क्वार्ट्स भी उसी का एग्जांपल है, और क्वार्ट्स भी आप फेमिलियर हो, आपके घड़ी के अंदर लिखा रहता है क्वार्ट्स, तो आप इन वर्ड से, इन कंपाउंड से फेमिलियर हो। अगर हम एमॉर्फस की बात करें तो उसके दो में बहुत सारे वैसे एग्जांपल है, बट मैंने यहां पर दो एग्जांपल लिखे, एक है रबर और एक है ग्लास। लेकिन ग्लास के लिए आपको मैं एक एक्सक्लूसिव बात बताता हूं, ग्लास का एक और नाम है जिसको बोलते हैं फ्लिंट। समझ लो आपने एक पूरा ग्लास का यहां पर एक बोर्ड लिया है, मान लो कि ये पूरा एक ग्लास ही है, तो ग्लास की एक यूनिक प्रॉपर्टी वो रहती है कि वो फ्लोइंग रहेगा, यानी कि उसके पार्टिकल क्या होंगे, नीचे फ्लो करेंगे, उसके मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे नीचे फ्लो करेंगे,
और अगर आप यही ग्रास को कुछ टाइम के बाद, 1 साल 2 साल या 5 साल के बाद देखोगे, तो उसकी थिकनेस में नीचे थिकनेस बढ़ चुकी होगी और ऊपर थिकनेस कम हो चुकी होगी, आई मीन ठीक है। यानी कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो ऊपर से है वो नीचे की तरफ फ्लो हो रहे हैं, और यही चीज क्लास में पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आज के टॉपिक को एक बार रिवाइज करते हैं। हमने आज पढ़ा कि स्टेट्स 3 रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, और इस चैप्टर में पूरे के पूरे सॉलिड स्टेट के बारे में दिया हुआ है। सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी, हमने उसके प्रॉपर्टीज पढ़े, उनके कंप्रेसिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, डिफ्यूजन लो रहता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा, उनके शेप एंड साइज जो है एंड वॉल्यूम डेफिनेट रहता है, और वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर रहते हैं। सॉलिड हमको दो फॉर्म में मिलते हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस, ठीक है, जिनके क्रिस्टलाइन में रेगुलर अरेंजमेंट मिलेगा लॉन्ग रेंज तक, एमोर्फस में शॉर्ट रेंज तक रेगुलर अरेंजमेंट रहेगा, इनको ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, और हम लोग एमोर्फस को स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम बनता है सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है बच्चों, फिर याद रखना क्रिस्टलाइन मेल्टिंग पॉइंट उसका रहता है शार्प, एंड एमोर्फस का रहता है इट्स अ रेंज। ठीक है, क्रिस्टलाइन जो रहते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, और एमोर्फस जो रहता है वो आइसोट्रॉपिक होता है। तो बच्चों आज हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है, मैं और भी टॉपिक्स के बारे में वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मैं अपलोड करता रहूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसकी नोट्स बनाइएगा, और आज के आज पढ़िएगा बच्चों, पढ़िएगा, हमारे पास टाइम है, आपको टाइम मिला है, आपने प्रिपेयर जितना नहीं किया उसको और अच्छी तरह से प्रिपेयर करने का टाइम मिला है, आप लकी हो। और वही ट्राई मैंने मेरे पहले वीडियो में आपको पॉजिटिव करने के लिए किया था, जो था बिलीफ का, वो भी वीडियो आप जरूर देखिएगा, और अपने फ्रेंड्स से ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी पढ़ाई अटके नहीं, उनको भी कोई हमारा गाइडेंस मिले और उनकी पढ़ाई चलती रहे। ठीक है बच्चों, याद रखना हमारे स्लोगन है स्टे होम बी सेफ। ठीक है, अपने परिवार को, अपने आप को और अपने कंट्री को सेफ रखने के लिए खुद घर पे रहे। टेक केयर बच्चों, प्रिपेयर हार्ड, वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।